नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये जो हमारे स्क्रीन पे जो है बर्ड का एनिमेशन हो रहा है, इस टाइप का एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का एनिमेशन करना बहुत ही आसान होता है और इसको हम पहले क्या किए, एलिस्ट्रेटर में हमने के इसको जो है ड्रॉ किया हुआ, आप देख सकते हैं एलिस्ट्रेटर में बना हुआ है और इसको दो स्टेप सिर्फ है और हम इसी स्टेप को क्रिएट करके एनिमेट सीसी में जो है आगे का स्टेप क्रिएट करेंगे। हम चलते हैं एनिमेट सीसी में। तो दोस्तों ये हमारे पास एनिमेट सीसी में जो है सिर्फ ये बैकग्राउंड है और इसी बैकग्राउंड पे जो है हम जो है वो बर्ड को एनिमेशन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और चलते हैं एलिस्ट्रेटर में। एलिस्ट्रेटर में हमारे पास दो स्टेप बना हुआ है, हमें क्या करना है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और चलते हैं इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से मैंने जो है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिर्फ ये दो पंख है और यहाँ पर जो है इसको अनग्रुप यहाँ से कर देते हैं और ये एक पंख यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसको है यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और चलते हैं एनिमेट सीसी में और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको F8 प्रेस करते हैं और सिम्बॉल में कन्वर्ट करते हैं। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस लेयर के अंदर जाते हैं डबल क्लिक करके और डबल क्लिक कर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा ये सभी को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ इसको अलग रखते हैं, पहले मैं इसको F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। सेम इसी तरह के तो मैंने सभी को सिंबल में कन्वर्ट किए और सभी का पॉइंटर जो है हम सेट कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ से एनिमेशन हो, ये जो है ये यहाँ से हो, इसी टाइप से ये जो है यहाँ से और ये जो है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल और बैक की दबाएंगे तो ये नीचे चला जाता है, इस टाइप से हमारा जो है क्रिएट हो गया। इसी टाइप से मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे रखते हैं, इसको भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे रख देता हूँ इस टाइप से और ये जो है इसको मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके बैक की दबाऊँगा तो ये नीचे चला गया और इसको मैं थोड़ा सा और भी यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है हमारा एक स्टेप तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, हर 5 फ्रेम पे इसको जो है हम चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा F6 लगाऊँगा हर 5 फ्रेम पे यहाँ तक और यहाँ पे मैं F5 प्रेस कर दूँगा, सिर्फ फ्रेम हमको चाहिए। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3-3 स्टेप क्रिएट करेंगे। तो हमें इस फ्रेम पर ये जो है ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको हमको नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको इसको नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये 3 फ्रेम जो है इसमें नहीं है और इस 3 में हमको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ के आने के बाद देखिए इस टाइप से एनिमेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे जब आते हैं हमको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर इस टाइप से दबा देता हूँ, इसी टाइप से इसको भी मैं कुछ इस टाइप से दबा देता हूँ अभी देखिए, और इसी फ्रेम को यहाँ पे अल्ट प्रेस करके रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और दबा देता हूँ कुछ इस टाइप से, अभी देखिए इस टाइप से एनिमेशन इसमें हो गया है। अब इसी टाइप से हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ आने के बाद मैं क्या करूँगा इसको मैं कुछ इस टाइप से दबा दूँगा यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा
इस तरफ कर देता हूँ। इसी टाइप से इसको भी मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। अभी देखिए इस टाइप से हुआ, और इसको मैं थोड़ा सा और दबा देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा और दबाऊँगा इसके नीचे की ओर इस तरफ से, और इसको भी मैं दबा दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी देखिए इस टाइप से एनिमेशन इसमें हो गया है। यहाँ पे सिर्फ हमको इतना ही करना पड़ता है, हमारा बर्ड का एनिमेशन जो है कुछ इस टाइप से हो गया। अब मैं क्या करेंगे, इसके बॉडी को भी थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, दो फ्रेम नीचे करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं चार फ्रेम नीचे करूँगा, एक दो तीन चार पाँच, चार फ्रेम। और यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं इसको दो फ्रेम ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे फिर इसको दो फ्रेम ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम रहने देता हूँ। तो आप देखिए इसके बॉडी भी जो है एनिमेशन होने लगा है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाहर जाते हैं। बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पॉइंटर सेट करता हूँ, और ये हमारा एनिमेशन इस टाइप से होना शुरू हो गया, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मैं इसको तो पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको लेयर को डिलीट करता हूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और इसके फ्रेम को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। और फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, इसको इधर करता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसमें जो मैं इस टाइप से एनिमेशन इसमें हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को एनिमेशन करेंगे। इस लेयर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इस दोनों को सेम जगह पर रखेंगे। इस टाइप से हमने सेट कर दिए, और इसको मैं रखूँगा इस तरफ, तो यहाँ पर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं और F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको कुछ देर तक एनिमेशन करूँगा। मैं यहाँ पे इसको 125 फ्रेम तक एनिमेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्रिएट सिंबल करता हूं, और इसको मैं यहां पे कर देता हूं, इसको मैं यहां पे करूंगा, और इसको कुछ इस टाइप से एनिमेशन कर दिए। इसमें देखिए आप एनिमेशन आ गया है। अब हम वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद अब देखिए ये फ्रेम, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा, जो कि साइड का जो भी चीज़ है वो यहाँ से हट जाए। अब हमारा एनिमेशन जो है प्रॉपर वे में तैयार हो गया। अब हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से हमारा जो है एनिमेशन तैयार हो गया। तो ये था दोस्तों कोई भी जो है बर्ड को कैसे एनिमेशन करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।